What's up guys, welcome to the new video. This is Abhi Singh Thakur. इस वीडियो में मैं कुछ स्किल्स और कॉमन चीज़ें बताने वाला हूँ जो आप डेली यूज़ करते हो, जिससे आप किसी भी सेल्फ डिफेंस में यूज़ कर सकते हो, आप रेप सिचुएशन से सर्वाइव कर सकते हो. ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो आपको बस अपने दिमाग में रखनी है हर समय. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने दिमाग से ये निकाल दो कि आप कमज़ोर हो लड़कों से. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मैं मानता हूँ कि लड़कों की जो मसल्स होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, थोड़ी स्ट्रांग होती है मैन एज़ कम्पेयर टू वुमेन. बट जो लड़कियों की सॉफ्टनेस होती है वो उनकी ट्रू स्ट्रेंथ है. उनको बस इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है इसको यूज़ कैसे करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक ईंट को ऊपर से गिराऊँ तो वो टूट जाएगी, और अगर एक रुई को ऊपर से गिराऊँ तो उसे कुछ नहीं होगा. तो आपको समझना पड़ेगा आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी सॉफ्टनेस को कैसे यूज़ करें. दूसरी चीज़ ये है कि आपको किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना, चाहे वो कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, चाहे आपके पास एक लड़का हो, दो लड़के आ जाए या फिर 10 लड़के आ जाए, आपको पैनिक नहीं होना. आपको अपने दिमाग में वो बेसिक चीज़ें रखनी है जिससे यूज़ करके आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं. मैंने देखा है कि लड़कियों के साथ इंसिडेंट हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी वो रिएक्ट नहीं करते. ये बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी. अगर आपको ज़रा सा भी ये महसूस होने लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, डोंट वेट फॉर द बिग पिक्चर. किस कुछ बड़ा होने का मत वेट करो, वहीं पे अटैक करो जैसे ही आपको ये फील होता है. डोंट फ्रीज, आप शोर मचाओ, उसको मारो, उसको धक्का दो, उसको जो करना है करो, बट डू समथिंग. अपनी बॉडी को मूव करो, कुछ भी अपने से पहले आपको वेट नहीं करना. जस्ट अटैक हिम, नॉट डिफेंस. डिफेंस नहीं करना, आपको सीधा अटैक करना है. अब कोई आपको यहाँ शोल्डर पे हाथ रखता है एंड आपको फील होता है कि वो एक बैड टच है, डोंट जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, जस्ट हिट हिम ऑन द नोज. कोई इसमें आपको लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फैंसी चीज़ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट हिट हिम विद द नोज, हिट हिम विद अ पंच ऑन हिज नोज, और आप उसकी आईज में अपनी थंब डाल के पूरा अंदर तक उसको अंधा कर सकते हो. आपको कुछ एक्स्ट्रा वेपन लेने की जरूरत नहीं है. आपके जो नेल्स हैं वही आपके सबसे बड़े वेपन हैं. आप अपने नेल्स से उसका पूरा मुंह स्क्रैच कर सकते हो, उसकी आँखें बिल्कुल ख़राब कर सकते हो, उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, वो आपको देख ही नहीं पाएगा, तो आपको अटैक कैसे कर पाएगा. ये चीज़ बस आपको दिमाग में रखनी है. किसी भी इंसान के 4 वीक पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, वो अपनी आर्म्स बना सकता है, अपनी चेस्ट बना सकता है, अपनी लेग्स बना सकता है, बैक बना सकता है, पर क्या वो अपनी आईज पे मसल बना सकता है, अपनी नोज पे मसल बना सकता है, ईयर्स, थ्रॉट और ग्रोइन एरिया? ये कुछ चीज़ें, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में फंसते हो तो आपको यहाँ पर हिट करना है एज हार्ड एज यू कैन. क्योंकि आप खुद ट्राई करके देखो, आप दोनों हाथ अपने ऐसे लो और अपने ईयर्स के पास इतनी दूर से ऐसे करके देखो, वो जो बीप की साउंड आती है ना, आपको इस डिस्टेंस से पता लग जाएगी. और अगर आप किसी इंसान को इस तरह से बजा देते हो तो उसके कान के पर्दे फट जाएंगे. तो ये बहुत बेसिक थिंग है, आपको इसमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. हाँ, आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस डेली. आपको कहीं भी पैनिक नहीं होना, आपको रेडी रहना है कि अच्छा मेरे साथ ये होने वाला है, देन आई हैव टू यूज़ माई स्किल, आई हैव टू यूज़ माई कॉमन सेंस. उस टाइम पर आपके पास जो भी हाथ में, आप उसे वेपन बना सकते हो, कुछ भी, आपका सेल फोन, आपका बॉल पेन, आपका हेयर क्लिप, आपका रबड़ बैंड, आपके रिस्ट बैंड, आपकी वॉच, आप कुछ भी एक सेल्फ डिफेंस को यूज़ करके वहाँ से भाग सकते हो. आपकी जो कीज़ होती है वो बहुत काम आती है. अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो स्कूटी पर, गाड़ी में, तो जो चाबी होती है वो अगर आप किसी की आँख में मार दो, क्या वो उसके बाद आपको अटैक कर पाएगा? आप सोच के देखो, हमारी आँख में जब एक आईलैश भी चली जाती है हम कितने परेशान हो जाते हैं. तो जब एक पूरी चाबी उसके अंदर चली जाएगी तो मुझे नहीं लगता वो खड़ा भी हो पाएगा.
आपको बस मौका चाहिए, आपको थोड़ा सा टाइम मिला, आपने मारा, दस रन हुए। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे एक बड़ी और चीज़ है कि आप कहीं भी जाओ, किसी भी समय, चाहे आप दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो, किसी भी स्टेट में हो, आपको ये एक माइंड में लेके चलना है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, बिकॉज नथिंग इज सेफ इन इंडिया। कहीं भी, वैसे कोई भी जगह सेफ नहीं है। आपको एक चीज़ ये लेके चलनी है कि कहीं भी आप जाओगे, आपके साथ इंसिडेंट हो सकता है। सो बी रेडी, बी अलर्ट ऑल द टाइम, चाहे वो एक मंदिर हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो किसी फ्रेंड का घर हो, रिलेटिव का घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट, आजकल तो बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ता है। उस टाइम पर जो भी आपके काम है, आपको वो यूज़ करना है, चाहे वो एक पत्थर हो, ईंट हो, आपका सेल फोन उसके सर में मारना हो, चाबी आँख में मारनी हो, ग्रोइन एरिया पे किक करना हो, कुछ भी यूज़ करके वहाँ से भागना है बस। एंड एक और टिप मैं देना चाहूँगा कि जितनी भी लड़कियाँ ऑफिस जाती हैं, स्कूल जाती हैं, वो एक पेपर स्प्रे ज़रूर अपने बैग में रखें। उससे आपको क्या होता है कि आप एक डिस्टेंस से सामने वाले को अटैक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 फीट से आप पेपर स्प्रे को हिट कर सकते हो, जो कि सामने वाले को अनकॉन्शियस कर देता है, वो कुछ देख नहीं पाता है, और वो टाइम आपको मिलता है वहाँ से भागने का। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप दूर से ही अटैक कर सकते हो। आप अपने बैग में रखो, पर्स में रखो। अगर आपको कुछ लगता है कि आपके पास चार पांच लड़के खड़े हैं जो कि गलत सिग्नल दे रहे हैं, अपने बैग में हाथ डालो, पेपर स्प्रे पे वहाँ पे फिंगर रखो, उन्हें पता मत लगने दो। जैसे कोई आपके पास आता है, अटैक करता है, जस्ट हिट हिम, रन अवे। आपको ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट, कोई पुलिस, कोई आपका रिलेटिव फ्रेंड, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। लोग बस तमाशा देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। आपको अपना डिफेंस खुद करना पड़ेगा, खुद भागना पड़ेगा। एंड रिमेंबर, यू आर नॉट वीक देन एनीवन। बस आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। प्रैक्टिस कीजिए, अपने स्ट्रॉन्ग, अपनी आर्म्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिम ज्वाइन कीजिए, पुशअप्स लगाइए, रनिंग कीजिए, अपना स्टैमिना बढ़ाइए। ये सब चीज़ें करने से आपको उस टाइम पर हेल्प मिलेगी जब आपको भागना पड़ेगा एक रियल लाइफ सिचुएशन में, तब आपका स्टैमिना काम आएगा। अब मान लो आप जैसे किसी एक सिचुएशन में फंस जाते हो, आप फ्लोर पर लेट गए हो इस तरीके से, तो आप उठने की कोशिश करोगे। सबसे पहली कोशिश तो आपको करनी है कि आप वहाँ से जल्दी निकल जाओ। उठ सकते हो तो उठ जाओ और वहाँ से भागो। मगर आप किसी वजह से निकल नहीं पाते हो, तो आपको उस टाइम पर रिलैक्स होना है। यस, उस टाइम पर आपको रिलैक्स रहना है, ताकि जो सामने वाला जो रेपिस्ट है, उसको लगे कि यू आर कंफर्टेबल। उसको हमें मतलब धोखा देना है एक तरीके से। आप रिलैक्स हो गए, वो भी अपनी पकड़ थोड़ी कमज़ोर कर लेगा। वो आपके जैसे ही पास आता है, आप उसे ग्रैब करो एज हार्ड एज यू कैन ऑन हिज नेक एंड बाइट हिज ईयर ऑफ। लड़कियों की बाइटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। आप किसी का कान काट के भी फेंक सकते हो। आपको वो ही उस टाइम पर करना है। और अपनी बेसिक चीज़ें जो आप डेली यूज़ करते हो, आप उनसे अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। उसके फेस पे, उसकी आईज और नोज पे, उसके थ्रोट पे सबसे ज़्यादा अटैक करना है एज हार्ड एज यू कैन। आपकी हेयर पिन, आपके नेल्स, यही आपके वेपन है। किसी भी सेलफोन के कॉर्नर को अपने सर में मार के देखो थोड़ा सा, आपको एहसास होगा कितना बड़ा वेपन है ये। उसके बाद मैगजीन को रोल करके उसका जो कॉर्नर है वो इतना सॉलिड बन जाता है, वो किसी के सर को खोल सकता है। आपकी जो चुन्नी है, आप किसी को भी चोक कर सकते हो, उसका गला घोट के उसे मार सकते हो। मुझे लगता है कि आजकल हर लड़की को डेली सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड अगर आपको मार्शल आर्ट्स में पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, तो आप मेरे को किसी भी इंस्टाग्राम या फेसबुक हैंडल पर मैसेज कर सकते हो, एंड आई विल रिप्लाई बैक। आपके घर पे या फिर आपके पार्क के पास हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। दैट्स इट गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।